अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। ब्रिटेन में खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने रवां साल भी बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नवाब गुल बंगश ने रवां साल भी बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नवाब गुल बंगश को डिप्टी कमिश्नर हांगो फजल अकबर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फहदुल्ला वजीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर हांगो दफ्तर में शरीफी सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नवाब गुल बंगश की हांगो में मुसलसल मेहनत और लगन से जिला सतह पर सरकारी नरखों की फहमी यकीन बनाना, तजवीजात के खात्मे, गैर मियारी अशिया की रोकथाम और अवाम को सहूलियात की फहमी यकीनी बनाने में दिन रात एक करके काम किया। नवाब गुल बंगश की दबंग कारकर्दगी को जिला सतह पर सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर हांगो फजल अकबर ने डीसी दफ्तर में मुनकदा एक तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा और इनकी मुसलसल मेहनत और जदोजहद की तारीफ की। खबर शामिल करते हैं समारोह से। समारोह में सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की समारोह थाना पर अचानक छापामार कार्रवाई। एडिशनल सेशन जज टू उमर कोर्ट की अदालत ने समारोह में रिहायशी साजन बंगलानी की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर अदालती हुक्म पर सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज्जाद अहमद का थाना पर अचानक छापामार कार्रवाई। आजाद होने वालों में अल्ताफ बंगलानी, सुलेमान बंगलानी, जबार माछी, गुलजार माछी, रमजान माछी शामिल हैं। आजाद होने वाले सब ही कल सुबह अदालत पेश होने के जारी। हर एक आजाद होने वाले से 2 लाख रुपए की मुचलका पर साइन लेने के बाद थाना से आजाद किया गया। गुनाहगार चौथे जिनको गिरफ्तार किया गया था पर कुछ कानूनी चीजें थाना के स्टाफ ने पूरी नहीं की, जिस पर आजाद हुए कल सुबह अदालत में दस्तावेजों के साथ पेश होके वजाहत देंगे। SHO मलक मुश्ताक अहमद। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा स्वीट होम पाकिस्तान बैतुल माल शिराज गार्डन में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी 11वीं शरीफ का इनकार किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान अमीन से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, शेखपुरा में स्वीट होम शराज गार्डन में महफिल मिलाद बड़ी 11वीं शरीफ गौसुल आज़म का इनकार किया गया, जिसकी सदारत मरूफ समाजी शख्सियत और मेंबर मैनेजमेंट कमेटी स्वीट होम खान फरियाद खान ने की। इस मौके पर मेंबर मैनेजमेंट कमेटी स्वीट होम मैडम अनवर फातिमा, स्टेट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर स्वीट होम मोहम्मद खरीद कालून, असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जुवेद इकबाल वैंस, इंचार्ज स्वीट होम मैडम रीदा अंजुम, पीर जफर शाह गेलानी उस्मान, बिशारत विरक उस्मान, अजीज खान रुस्तम विरक, मुजम्मल सियाल, राना अमरान अमीन राय इमरान। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर मोटरसाइकिल स्पीड होने की वजह से स्लिप हो गई, एक अफराद जख्मी। हादसा लाहौर रोड बावी दी कुटिया पर पेश आया। मोटरसाइकिल स्पीड होने की वजह से स्लिप हो गई। हादसे में एक अफराद जख्मी। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पांस करके एक जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बताया जा रहा है की जख्मी होने वाला अफराद खानपुर से बिलोंग करता था। महफिल नूरे बरसात बरोज जुमेरात इस्लामिक सेंटर मोहम्मदपुर रोड साहिवाल मुनक्कीद हो रही है। महफिल नूर की बरसात 2 नवंबर बरोज जुमेरात बाद अज़ान नमाज इशा इस्लामिक सेंटर मोहम्मदपुर रोड साहिवाल मुनक्कीद हो रही है। ज़ेरे सदारत खसूसी आमद पीर तरियाकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर सईद आलम नवाब शाह बुखारी अस्ताना आलिया मंजनाबाद खसूसी खिताब हजरत उलामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रियाज मुस्तफाई ऑफ गुजरांवाला फरमाएंगे। तिलावत कारी मोहम्मद हसन रजा कादरी ऑफ मिसर, मोहम्मद सलाम अली साहब ऑफ जमहूरिया मिस्र करेंगे। मुल्क भर से नामवार उलमाए कराम नात खुआ गुलाहे अकीदत पेश करेंगे। अहले मोहब्बत को शिरकत की दावत है। बानी महफल मोहम्मद इमरान रहमानी नक्शबंदी। कोट गुलाम मोहम्मद में मुल्क भर की तरह दावत तबलीग के काफिले रवाना हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं कारी निसार अहमद से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, कोट गुलाम मोहम्मद से मुल्क भर की तरह दावत और तबलीग के काफिले रवाना हुए। सालाना आलमी इज्तिमा रायवंड के लिए गुज़िश्ता रात कदीमी जामिया मस्जिद से डिलेक्स बस में नौजवानों बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने बिस्तरों ज़रूरी सामान के साथ 3 रोज़ा आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए रवाना हुए। अल्लाह पाक की राह में सफ़र का आगाज़ नेक आमाल और सफ़र की दुआओं के साथ शुरू किया।
और दावत तबलीग के साथियों ने NAN24 न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इस इज्तिमा में पूरे आलम के हिदायत के लिए खुसूसी दुआएं फरमाई जाती हैं और अल्लाह पाक इस आलमी इज्तिमा को पूरे आलम की हिदायत का जरिया बनाते हैं। और इस सालाना आलमी इज्तिमा में दुनिया भर के बुजुर्गों की शिरकत होती है। जी खबर शामिल करते हैं लोरालाई से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में इनामात की तकरीब। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कैंट लोरालाई स्पोर्ट्स वीक के फाइनल डे तकसीम इनामात के तकरीब के मेहमान खास चेयरमैन असगर खान और स्कूल जहाजा के प्रिंसिपल जनाब खान गजलाई साहब फुटबॉल व क्रिकेट के विनर रिनर टीमों में ट्रॉफी तकसीम करते हुए